यूसुफ़ की औलाद की सनद से पूछिए, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म करता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों को बराबर है। ये आयत विरासत यानी किसी आदमी की वफात के बाद उसके माल की किस तरह तकसीम होगी इसकी तफसीलात इसमें बयान की। सबसे पहले चीज़ें समझ लेना चाहिए कि मक्का के अंदर और मदीना के अंदर जो लोग थे तो उस वक्त जज़ीरतुल अरब में तकरीबन ही माहौल था, चूँकि कबाइली निज़ाम था और कबीले की हिफाजत का सारा इंसाब दस बाजों पर रहता, इसलिए जो घर का ताकतवर मर्द होता तो किसी की वफात के बाद सारे माल का अकेला हो सकता, क्योंकि वो अपनी कुव्वत और ताकत की बुनियाद पर जल रहा था, कबीले की हिफाजत करता, लूट मार और जितने के इकदाम के समय वो पेश पेश करता। पीछे हुक्म आया इससे पहले कि मर्दों की तरह औरतों का भी हिस्सा है, पहले के मिसाल बनाया गया, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब तरके की तकसीम किस तरह होगी इसको तफसील के साथ बता। यहाँ कई चीज़ें समझना है कि तरके की तकसीम में अगर आदमी गलती करता है तो उसका असाब क्या है, उसकी भी तफसीलात आगे आ रही है। माल का जहाँ तक के मामला है तो आदमी के इख्तियार की चीज़ ही रहेगी, जब अल्लाह का हुक्म आ गया है कि ईमान वाला है मोमिन है तो उसको कलम रख देना चाहिए। कहने अगर आदमी ये सोचता है कि माँ अपनी जिंदगी में फला बेटे को ये दे दूँ, फला बेटे को ये दे दूँ, फला बेटी को ये दे दूँ, तो अल्लाह के फैसले पर उसको एतराज़ हो गया। अरे अल्लाह ताला ने जो तकसीम की है यहाँ कलम रख देना था उसको, अल्लाह ने हिसाब तो बता दिया है कि बेटे को कि बेटी को माँ को बहन को, अगर सिर्फ लड़की है तो क्या सूरत होगी, अगर सिर्फ एक लड़की है तो क्या सूरत होगी, पूरी तफसील अल्लाह ने बता दी है। अब इसको कलम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये माल का जो मामला होता है ये बड़ा आजमाइश होता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लज़ीने तुमर बिस्सर्रा वस्सर्रा वलकाज़िमीन अल-ग़ैज़ वलआमिलीन अन-नास, अहले ईमान जो है उनकी खूबियाँ बयान की अल्लाह ताला ने, जन्नत जिनको अल्लाह देने वाला है वो तंगी और आसानी का खर्च करते हैं, यानी माल अल्लाह के रास्ते में देना है तो उनका मन तंग हो या बहुत उसरत हो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, देना है तो देना है। और लोगों को माफ कर देते। तरके के मामले में एक चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल होती है, जब माल ज्यादा होता है तो मसाइल खड़े होते हैं। यहाँ पर नफ्सानी ख्वाहिशात, औलाद की जरूरतें और ये तमाम चीज़ें वो भाई खड़ी होती है और शैतान बरगराता है, ऐसी सूरत में तकसीम के मसाइल आते हैं। माल का लालच आदमी को शरीयत के मुताबिक तकसीम से रोक देता है, कभी कभी जरूरतें तकसीम से रोक देती है कि अगर ये तरीके से जैसी तकसीम में वैसी कर दी जाए तो रिहाइश के मसाइल आएंगे, दूसरे मसाइल आएंगे, कारोबार खत्म हो जाएगा, ये तमाम खदशात रोक देते हैं। हम किसी के रिहाइश के मसले को हल करने नहीं बैठते, हम कारोबार के लिए नहीं बैठ रहे, वो तो रसाब को देने वाला है, जमीन उसकी है उससे मांगे। एक माल जो हमारा नहीं है वारिस में अगर कोई ऐसा करता है वो तमाम वरसा का है, दूसरे का माल लेकर के बनाता हम लोग जारी मदीना अल्लाह कर लो हमारे तुम मैं तुम भी बाकी लोगों का माल बाकी तरीके से लगा, बाकी तरीके से खाने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें यह है कि तरका माल एक तो ये होता है। दूसरी चीज़ ये होती है तरके की तकसीम में इंसाफ न करना, इंसाफ न करना उसके अलग अलग असबाब होते हैं। कभी कभी तो ये होता है इंसाफ न करने का मामला ये कि आदमी के पास इख्तियार और कुव्वत होती है तब बना जाए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे यहाँ के सामने मसाइल बहुत सारे बिरादरियों में तो ऐसा है कि बेटी को हिस्सा ही नहीं दिया जाता, जहेज के तौर पर शादी ब्याह में खूब खर्च कर दिया जाता है और बिल्कुल हमारे हम पत्र राय मुस्लिम भाई जो हैं उनकी तरह जैसे उनके यहाँ मुंडे करवा दें, हमारे यहाँ जहेज करवा जा दिया दे दिया गया खूब जहेज और उसके बाद तरका नहीं दिया। एक शक्ल ये होती है, एक शक्ल ये होती है
फिर हम तरके की तकसीम की जाती है तो तरके की तकसीम में बेटियों को वो मान दिया जाता है जो फंसा हो, यानी किसी जो पर किसी का कब्जा हो, वो जमीनें और वो इलाके दे दिए जाते हैं जिसकी कीमत के बढ़ने के कारण खत्म हो चुके हैं, वो तमाम चीजें दे दी जाती है, यानी रिजेक्टेड चीजें दे दी जाती है। जबकि इंसान का तकाजा यह है कि बिल्कुल हम बल्ला हम वजन चीजें देना चाहते हैं, ये सब चीजों का जरूर लिहाज रखना। और एक चीज है, बाद घरों में ऐसा होता है कि वालदा वफात के वक्त ये कह देती है कि वफात से पहले जिंदगी में मेरा जो सेवर है वो मेरी बच्ची को नसीब कर दे। अरे मरने के बाद आपका कहाँ रह गया, ये सबसे बड़ी खामी है। हम लोग समझते हैं मरने के बाद क्या हो रहा है, मरने के बाद तो वारिसों का हो गया और अल्लाह ने बताया इसका इतना हिस्सा, इसका इतना, इसका हिस्सा, दस तोला सोना आपने छोड़ करके मरे और दस तोला सोने में आपने छोड़ा कैसे, आपने छोड़ा तीन बेटों को और आपने छोड़ा दो बेटियों को, कुल कितने दिन, छह और दो आठ, आठ हिस्सों में तकसीम हो जाएगा वो सोना, एक एक हिस्सा बेटियों का और दो दो हिस्सा बेटों का। ये तकसीम इसके लिए अल्लाह है, लेकिन हम क्या करते हैं, ये एक को ना होना, दिल को ना जानना, ये मोहब्बत नहीं है। इसका सही जुमला अगर इस्तेमाल किया जाए तो काम जाएगा, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी बेटी मोहब्बत बयान नहीं करता, ना मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा, कुल लाना बाव मा बनाओ मैं मान पासवा दे माशिरत को आवाज करता हूं वा व तिजारत का सवाल का साथ और बता कर तो थोड़ा पहले एक मिनट बात सुन ली, नौ मोहब्बत है कि नहीं है, हम नौ तुम्हारे बाप कुल लाना बाव मा बनाओ मैं मान को तुम्हारे भाई तुम्हारी बहन वासवा जो तुम्हारी बेटियां सारे रिश्तेदार, इन सबसे बढ़कर के अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में कोशिश करना ना हो जाए, जिहाद करना ना हो जाए, अहले ईमान की मोहब्बत अल्लाह के लिए बड़ी शदीद होती है, मतलब इन्हें आमन व अशद हुब लिल्लाह आजमाइश के ही होती है कि जब दो मोहब्बतों का टकराव हो तो किस मोहब्बत को हम गालिब करते हैं, यह अहम मामला होता है। ऐसे तो आदमी दावा करता है मान अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता हूँ, रसूल से बहुत मोहब्बत करता हूँ, पर करना भी चाहिए क्योंकि दावा करने की वजह से कभी कभी विसाद ही बन जाता है, ये फायदा होता है, बोलना चाहिए। लेकिन जब ऐसा मामला हो कि एक तरफ अल्लाह का हुक्म आ जाए, एक तरफ हमारी मोहब्बत दूसरी आ जाए बेटे की भाई की माँ की, अब किस मोहब्बत को हम गालिब करते हैं, ये ही आजमाइश है इम्तिहान है। अल्लाह की नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया है बात करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह है, आपकी इताअत और फरमाबरदारी करनी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा कहा कि लोगों अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तुम्हारी बीवियां तुमसे इजाजत तलब करें मस्जिद जाने के लिए तो उनको रोको ना, तो आपके बेटे ने कहा तो रोके। ये था सहाबा का मिजाज। हमारे यहाँ जो कहा जाता है ना मनहज सहाबा असल है, उनके बेटे ने कहा तो रोकेगी, उसके बाद कभी आपने बात नहीं, आपने कहा मुझे अल्लाह के नबी की बात बता रहा, तू खैर बता रहा है, यहाँ ये खैर नहीं है, नबी की मुखालफत है। सही जुमलों का इस्तेमाल अगर आदमी कर लेंगे मामला साफ हो जाता है। तो यहाँ पर बेटियों से मोहब्बत नहीं है, बेटों से मोहब्बत नहीं है, बल्कि अल्लाह की मुखालफत है। तो ये एक और चीज के मोहब्बतों के टकराव में हिस्सा दिया है। कभी कभी ये भी होता है तरके की तकसीम के आगे, तरके की तकसीम में रुकावट इसलिए होती है कि अगर तकसीम कर दिया जाए तो बहुत सारे मसाले खड़े होंगे, किसी की रिहाइश का किसी का कारोबार, उस सूरत में इफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता ये निकालना चाहिए, या उस कारोबार को उसी तरह करो लेकिन उसमें समझो जितने हकदार है उतने पार्टनर होते हैं और ईमानदारी से हिसाब किताब रखो, शफाफियत से और पार्टनरशिप के हिसाब से तकसीम करो मसाले, कोई नाराज नहीं होगा। लेकिन अब कारोबार न टूट जाए, तीन का ऊपर टूटते हैं उसका हक मारते रहो। एक घर है सारे लोगों का तरका है, आदमी का बीवी रहे उसी में सारी चीजें इबादत सब कुछ कर रहा है, दूसरे का कदम की ओर मिला। जरा तो सोचिए एक सड़क पे चलते हुए आदमी से पूछिए भाई गजब की इतनी जगह पर कब्जा करके अगर कोई शख्स मस्जिद बनाता है, हो
हम लोग गजब की भी चीज पसंद कर रहे हैं, हम लोग सोचे ये बढ़िया है चीज। एक और चीज होती कभी कभी मोहब्बत में नाइंसाफी। नाइंसाफी कैसे होती कि अगर एक बेटा है बहुत ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, ब्रह्मवटारी करता है, बहुत ज्यादा हमारे करीब, तो आदमी ये सोचता है कि इसकी खिदमत का उत्तम सिलाई मिलना चाहिए। तो ऐसी सूरत में ये होता है कि आदमी कुछ ना कुछ उसके नाम पर कर देता है अपनी जिंदगी, उसको सहाय मिलता है। जिंदगी में अगर बात तकसीम करना चाहे तो यहाँ एक उसूल की बात याद रखिए, बात को बड़ा गैर मुहताज जवाब देते हैं यहाँ। गैर मुहताज कैसे? जैसे कभी कभी किसी आदमी से जाकर सवाल किया जाता है, बाद मरतबा हमने एक आध फतवे भी देखे, बल्कि एक फतवा हमारी नजर से गुजरा तो हमने मुफ्ती साहब से कहा कि आपने गैर महदूद सवाल दे दिया, यानी माल था। तो बाप ने एक बेटे को एक किस्सा दे दिया, कहा था मैंने कहा ये दुरुस्त नहीं, कहा मेरा माल है क्या, मैं जहां जाओ करके करो, गलत बात नहीं है, बिल्कुल आपका माल है, जहां चाहो करके करो। लेकिन बाप ये जब सवाल करेगा तो जवाब क्या रहेगा, जवाब क्या रहेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं सही बुखारी की है, नमाज की तस्वीर सहारी उनके वालिद को घोड़ा देना चाहिए। उनकी वालिदा ने कहा अरे जी अल्लाह के नबी से पूछ लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भाई अपने बेटे नौमान को एक घोड़ा इनाम रखना चाहिए, आप इसका जवाब हो जाए। अब हमारे यहाँ के हिसाब से अगर ये घोड़ा जाए तो आप कमा रहे किसी को भी, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमने अपने दूसरे बेटे को दिया है, उन्होंने कहा नहीं, तो बोले मजलूम को मैं जवाब नहीं दी। मतलब एक को देना और एक को महरूम करना क्या है, जुल्म है। अगर औलाद की तकसीम करना है तो उसको ये नहीं बोला जाएगा तेरा माल है तेरा इख्तियार है, मगर उसको जालिम बोले, मतलब नीचे नहीं देवे जालिम। जैसे एक आदमी का माल है, अगर वो शराब भी पीता है तो उसका माल है, मगर उसको शराब भी तो कहा जाएगा ना, जरा सत्ता को जुमला कहना होगा, कहा जाएगा ना। तो ऐसे जालिम नहीं दिया जाए, मतलब नीचे के भाई को जालिम हो ना इंसाफ हो नहीं, ये तरीका दोस्त। अगर जिंदगी में आदमी अपनी औलाद की तकसीम करना चाहे, कुछ देना चाहे, हेबा करना चाहे, तो लड़के और लड़कियों को बराबर देगा जिंदगी, हेबा मरने के बाद लड़का जो है लड़की को जितना मिलेगा उसमें डबल लगेगा, लेकिन जिंदगी में बाप आसानी देगा बच्चों। और एक चीज कभी कभी ऐसा होता है कि मोहब्बत में आदमी वसीयत कर जाता है किसी बेटे के बारे में, कभी कभी तरह का हाथ घुमा लेते, हमारे यहाँ बुजुर्ग रहते थे सीधा खाने के बजाय कान के पीछे से हाथ लेकर आते थे कि ऐसे खा, तो कैसे एक पोते के नाम कर दिया 24 रुपए का था, बस हम पोते को दिया बारिश को थोड़ी ला उसके मेरे बारिश बारिश के अंदर नसीहत नहीं की बारिश का इतना कर रहा है, तो पोते को दे दिया तो सब पोतों को पी दिया। तो वो तरह था ये सब चीज करना नहीं चाहिए शरीयत में, हम अल्लाह से छुपाने जाएंगे जो दिलों के राज जानता है, ये सब बारिश के लिए वसीयत नहीं कि बारिश का हिस्सा कर। मोहम्मद में कभी कभी आदमी ये करता है चुंगी जो होती है गलती हमसे, हमारे बड़े अजीज इंतहाई वसी दीन को वसी बताने के हमें मुझसे बहुत मशुरा करने करते हुए कहने लगे क्या हिस्सा अल्लाह ने चार बजे दी, एक बच्चा इसमें इंतहाई फरमा पड़ता है। तो मेरी यह ख्वाहिश है कि एक प्लाट उन्होंने निशानदेही की कि अल्लाह ने काफी माल भी दिया है, लेकिन वे अपने भाई बेटे को अलग से, तो मैंने उनसे कहा कि क्यों कोई फरमा पड़ताली और ये सब कहने लगी। प्लाट की कीमत आज के दौर में तो 1.5 करोड़ रुपये के आसपास अलग शहर में, मैंने कहा आप एक बात ये बताइए कि आप उसको इसलिए दे रहे हैं कि वो आपकी खिदमत सारा करता है आपका इकराम, और दूसरे बच्चे लावारी है उसमें एक तो खासतौर से कभी पूछते ही नहीं देखते हैं, तो कहने लगे हाँ। मैंने कहा अल्लाह आपसे ये पूछेगा कि आपका कौन सा बेटा फरमा बता, अल्लाह को आपसे ये पूछेगा आपके बेटों के साथ इंसाफ किया,
अल्लाह तो आपसे ये सवाल रखने वाला है, वो तो बेटों से पूछे करना ना कि तुम्हारा मरदार था बाप का, वो उनका सवाब है, तुम क्यों वहां कलम लेके खड़े हो? तुमसे अल्लाह पूछेगा तुमने बेटों के साथ इंसाफ किया तो तुम अपने आप को जालिम और ना इंसाफ के कटेरे में खड़ा कर जाते, वो तो बेटी का है, तुम क्यों गलत काम कर रहे हो? तुम्हें अल्लाह तआला उनके दिल में बात करे कहा ये बात सुनाकर और तुम चुप रहे, क्योंकि इसी में मैं आगे भाई को बताऊंगा अल्लाह जानता है तुम्हारे लिए कौन नफरे वाला है। तकसीम होती है तरके की बात में मालूम पड़ता है कि जिसको सबसे ज्यादा उज्जत सबसे लाभवानी समझ रहे हैं वही हर भाई के टाइम पे खड़ा है, हर भाई के लिए सहारा नहीं बना होता है, वही है जो हर वक्त दुआ में अपने बाप को याद रखता है, वही है अल्लाह जानता है और रब्बुल आलमीन दिलों का भेद जानता है, तुम नहीं जानते बाबा मैं आप सब का इंशाल्लाह आगे चल रहे कभी ये होता है। तो तरके की तकसीम के सिलसिले में मोहब्बत कभी किसी से आदमी का झगड़ा हो जाता है बेटे से, बेटा कोई ऐसा कदम उठा देता है जो बाप को इंतहाई नाराज कर देता है, तो हमारे यहाँ गुस्से में आने बोलते थे तुझको तरके में पैसा नहीं मिलेगा तुझको आप कर रहा जैसा जुमले बड़ा मालूम है आपका मतलब कुछ बता नहीं पाएंगे लेकिन आप कर तुझको कुछ नहीं दे अल्लाह ने हिस्सा बना दिया आप कर जरा सोचिए अगर कोई शख्स वफात पाता है और उसकी अहलिया के पेट में बच्चा है तो उसका भी तरका है और उसकी विरासत के बाद लड़की होगी तो उस हिसाब से वो लड़का होगा उस हिसाब से, यानी पेट में अगर बच्चा है तो तरके में उसका हक बनता है। अगर किसी शख्स का मामला ऐसा है कि उसकी औलाद मोमिन नहीं है, उसने सब बोल दिया औलाद मोमिन नहीं है उसके वारिस ही, तो मोमिन का वारिस काफिर नहीं होगा, मोमिन का वारिस काफिर नहीं होगा, उसको तरका नहीं मिलेगा उसके तरकीब तकसीम। कोई बेटा अगर मुनकर हो जाता है जैसे आज हमारे यहाँ हादसा हो रहे हैं कि बच्चिया इंतजार का शिकार हो, ऐसी सूरत में अगर मुर्तद हो जाते हैं तो मुर्तद की सजा में गैर खतरनाक कत्ल हो और इसका ये इस्लाम की सजा है इस पर लोगों ने इतराज किया और इसका बड़ा बदलना जवाब भी दिया मुर्तद की सजा का, जैसे कि एक शख्स इस्लाम कबूल करता है इस्लाम पर अमल करता है काफी लंबी मुद्दत तक और उसके बाद इस्लाम से मुर्तद करता है तो उसकी सजा कत्ल। लोग कहते हैं ये तो भाई सब है, सबसे पहली चीज इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती लाइक की आपकी उम्र कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, आपने दिल से इसको कबूल किया था, एक सादा तो सवाल हम करते हैं हिंदुस्तान एक छोटा सा मुल्क दुनिया के नक्शे पर, इससे भी बहुत छोटा मुल्क हुआ कर वो और इस मुल्क के जो कवानीन है जो जवाबित है कोई आदमी बहुत अच्छा शहरी होने के बावजूद इस मुल्क को सिर्फ बगावत करे तो उनके खिलाफ क्या हाल इंटीग्रेशन आदमी के लिए स्टूडेंट साइड एकदम सीधा सीधा ऑर्डर होता है बोले मां मुल्क है गद्दार छोटे से मुल्क से गद्दारी करने वाले को आप इंसाफ में तो माफ है ना, इस खाली के हल्कों समाज से गद्दारी करने वाले को क्या दिए कायदे से बात कीजिए बिल्कुल बहुत सारी तरीके से चलते चलते बात कह दिया देख करके आएगी तो हम सब गुफ्तगू को तो उसको तरका नहीं मिलेगा। तरके की तकसीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन कर दी है, आदमी अपनी जिंदगी में वारिस के लिए वसीयत नहीं करेगा, मोहब्बत और नफरत की बुनियाद पर शरीयत के इल्जामात में तब्दील नहीं करेगा, अल्लाह ने कलम चला दिया है खुद कलम नहीं उठाएगा, अल्लाह के यहाँ उसको बारीकी से इनाम देना है। एक साहब एक मरतबा ज़कात जमा करने के लिए गए, जब ज़कात जमा करने के लिए गए वो यहूदी इलाके में तो यहूदियों ने उनसे कुछ मामला कुछ दे करके नंदी के साथ करके जो लोगों का मिजाज हो तो आपने बड़ा प्यार झगड़ा कहा था तारीखी जुमला जो इस्लामी मिसाल अल्लाह के नबी की जो तरबियत है उसका पास है कैसी तरबियत दी जाती है। सहाबी कहते हैं हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु
वो कहते हैं सुनो कि सूखे जमीन पर तुमसे ज्यादा काबिल नफरत मेरे नजदीक अंबिया नफरत तो करने वाले अल्लाह के खिलाफ की आयतों का मजाक उड़ाने वाले ये तुमसे ज्यादा बदतरीन कोई नहीं है, सबसे ज्यादा नफरत तुमसे करता हूं। और सुनो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा महबूब मुझको कोई नहीं, उनके एक इशारे पर जाना हुआ, लेकिन आपकी मोहब्बत और तुम्हारी अदावत को शरीयत से दूर नहीं कर सकते। अल्लाह के नाज़िल करता है क्या आपकी खिलाफवर्जी नहीं करवाएगी, ये उसूल है। मैंने कहा साहबा मैंने साहबा जो आ जाता है किसी भी साहबी को तो साहबा का मानना है सर वहां पे कि उनके पास कुरान हदीस आ जाए खत्म हो जाते हैं बात उनकी मोहब्बत और नफरत के पैमाने यही थे। और मोमिन गुस्से में हो चाहे इंतहाई महबूब हो कोई चीज लेकिन हुदूद से तजावुज करने वाला नहीं होता है, और ये भी हुदूदुल्लाह इसकी मुफसल है इंशाअल्लाह अजीज आएगी। मैं इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता बहुत तफसील के साथ इसको बयान करेंगे जो अल्लाह ने बयान किया। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म करता है कि अल्लाह तुम हमारी औलाद को कितना मिलना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तय किया है कितना अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला है रब्बुल आलमीन, क्योंकि माँ बाप का जो मामला है वो हालात के साथ बदलता रहता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसा इंसाफ वाला बिल्कुल दिल लगता आदमी कबूल करने में एक एक दर्जे पर मैं उनका इंशाल्लाह कबूल करूंगा ऐसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह मुतय्यन किया है। अल्लाह के मुतय्यन किए हुए अल्लाह के नाजिल किए हुए हुक्म के मुताबिक हमको अमल करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन तेरे नाजिल करता है काम पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। इलाहा आलमीन मोहब्बत में नफरत में गुस्से में खुशी में हर मरहले में तेरी नाजिल करता शरीयत के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हम बड़े कमजोर होते हैं, रब्बुल आलमीन तेरी रहमत ना हो तू हिदायत ना दे तो नेकियों पर अमल नहीं कर सकते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सारी कुदरत सारी ताकत का मालिक तू है रब्बुल आलमीन, हमें हिदायत दे हमें तौफीक दे हर हालत में तेरी शरीयत नाज़िल करता शरीयत पर अमल करें। अल्लाह हमारा हर का ईमान पर फरमा। आमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैताना वहब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अन्तर रहमान। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिका अश्हदु अन ला इलाहा इल्ला अन्ता